बैठ गए और हम हैं विभूति नारायण मिश्रा लौंडे के मतलब लड़के के मंजिले भाई। बताओ ये बड़े भाई तिवारी और ये मिश्रा कैसे हो गए? विभूति बोलते वो क्या टाइटल टीका पे टाइट कर विभूति बोलता है और हम हैं विभूति नारायण मिश्रा मतलब लौंडे के आई मीन लड़के के जो है मंजिले भाई। बाप बोलते वाह वाह क्या संस्कार है आप लोगों के। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई कि जो बड़े भाई हैं वो तिवारी हैं और ये आप मिश्रा कैसे हो गए? विभूति बोलते हैं वो क्या है ना कि शादी से पहले हम भी तिवारी लगाते थे लेकिन जब बैटरी के टीका के कैमरे की लगा बैटरी इसके लिए ये ले जाओ डीसी नहीं लगा दे डीसी और उनके लिए क्या करेंगे शॉट मुझे आनंद दिला यहाँ पे शॉट मुझे आनंद दिला चैट कर दिला देंगे बाहर सामने नहीं यूनियन है तो मारो उसको ये सीरियल बहुत अच्छा लगता है ये वाला सीरियल थोड़ा आवे और ये टीका जो बैठ गया बेटी के पास थोड़ा ओके मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है और मैं लौंडे मतलब लड़के का मंझला भाई। वाह वाह क्या संस्कार। एक बात समझ में नहीं आया आपके बड़े भाई तिवारी हैं फिर आप मिश्रा कैसे हो? एक्चुअली क्या है कि मैं शादी से पहले तिवारी ही दिखता था और फिर मेरी जब इनसे शादी हुई तो ये मिश्रायन है क्या? हाँ मेरी शादी हुई तो ये मिश्रायन है। हाँ तो हमारे शादी मिश्रायन से हुई। हाँ नहीं मेरे इनसे शादी अब ये है मिश्रायन। हाँ अनीता बोलते हैं हम हैं अनीता मिश्रा और हम लड़के की मंजली भाभी हैं। बाप बोलता है पिताजी नजर नहीं आ रहे। टीका बोलते हैं पिताजी है ना है वो तीर्थ पर गए। अच्छा अच्छा माताजी नजर नहीं आ रही है वो वहां गई है जहां तीर्थ के बाद जाया जाता है। मतलब निकल गई मेरा मतलब है कि स्वर्ग से धार गई। वाह 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 क्या संस्कार है भाई। आप लोगों के संस्कारों के आगे हमारा संस्कार एकदम छोटा पड़ गया है। अभी तो छोटे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आप लोगों के माँ बाप ने कि आपने मेरे साथ साथ मेरे बेटी का भी पाँव छू लिया। आइए हमारे संस्कार छोटे होते और आपकी से छोटी है। दोनों का प्यार मिलेगा पैकेज में माँ के साथ ही नहीं करें। ये टीका नाम का हमारा एक मोहल्ले में एक आदमी है उसकी शादी का चक्कर चल रहा है तो उसके कोई घर में परिवार के लोग हैं नहीं है
तो उसने हम लोगों को अपना भाई बंधु ऐसे झूठ झूठ तौर पे बनाया है। अब उसकी शादी में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी जो भी होंगी या वो कॉमेडी है पूरी। योगा डे आने वाला है तो आप बताइए अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? योगा फॉलो करती हूँ रेगुलरली, जैसे प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, स्ट्रेचिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि योगा स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली तीनों तरह से आपको फिट बनाता है और स्टेबल रखता है। तो बस यही है कि आप अगर फिट रहना है तो आई थिंक योगा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जी बिल्कुल, हम तो कई सालों से योगा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी दिमाग से रिलेटेड है जैसे भ्रामरी प्राणायाम, अलोम विलोम, कपाल भारती, ये सब हम रेगुलर करते हैं। यस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, योगा से बढ़िया कुछ भी नहीं है। उससे मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ रहता है, उसकी मेमोरी शार्प होती है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन स्पीच की बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो भ्रामरी प्राणायाम में होती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। हम ड्रामा स्कूल में पढ़ते थे, हमारी योगा क्लास होती थी, इट वाज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट था एक एक्टर के लिए, एक सब्जेक्ट है योगा पूरा, जिससे वो मेंटली फिट रहता है, उसका कंसंट्रेशन पार बढ़ता है, ऑब्जर्वेशन पार बढ़ता है, सेहत अच्छी रहती है। बात करें बॉलीवुड की, उगते पंजाब आजकल काफ़ी चर्चों में चल रहा है मूवी। हाँ, तो मतलब सेंसर बोर्ड ने वहाँ के जो भी हैं